ये घड़ियों का शोरूम नहीं है, बल्कि दक्षिण कर्नाटक के चामराजनगर में पोनाची महादेव स्वामी का घर है, जो घड़ियों की किस्मों से भरा है। आप देख सकते हैं HMT घड़ियों के कई मॉडल, जैसे जनता, कोहिनूर, कंचन, पायलट, चाणक्य और अन्य यहाँ है। मोबाइल युग की वजह से हाल के दिनों में कलाई घड़ी पहनने वाले कम लोग ही रह गए हैं। हालांकि ये शिक्षक पिछले एक साल से घड़ियों के अलग अलग मॉडल खरीद रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने उनकी मरम्मत करना सीखा। पोनाची महादेव स्वामी एक लेखक हैं और हनूरू तालुक के निवासी हैं। अभी वे ये लुंदुरू में BRP हैं। सबसे पहले उन्होंने शोरूम, स्क्रैप घड़ियों के स्टोर और ऑनलाइन स्टोर से HMT घड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब उनके पास 400 से ज्यादा घड़ियां हैं। शोरूम में मैंने लोगों द्वारा नकार दी गई HMT घड़ियों को देखा। मैंने उत्सुकता से ऐसी घड़ियों को इकट्ठा करने का फैसला किया। फिर मुझे HMT घड़ियों को इकट्ठा करने की आदत हो गई। मुझे मैसूर में एक स्क्रैप घड़ी की दुकान पर HMT घड़ियां मिली हैं। उसी को खोजने के बाद कुछ घड़ियां मिली। पोनाची महादेव स्वामी के पिता ने उनसे वादा किया था कि अगर वो SSLC पास करते हैं तो वे उनके लिए HMT की कलाई घड़ी लाएंगे। हालांकि महादेव स्वामी SSLC में असफल रहे, लेकिन घड़ियों के लिए उनका प्यार हमेशा बना रहा। एक साल पहले उन्होंने मैसूर की एक दुकान से HMT घड़ियां खरीदी। बाद में HMT घड़ियों को इकट्ठा करना उनकी आदत बन गई। अब उनके संग्रहालय में 45 से 50 साल पुरानी घड़ियां हैं। यदि आप किसी से घड़ियों के बारे में पूछेंगे तो वे आपको HMT घड़ियों और उनकी टिकाऊ मशीन के बारे में बताएंगे। मेरे पिता ने मुझसे वादा किया कि अगर मैंने SSLC क्लियर कर लिया तो HMT घड़ी लाऊंगा, लेकिन मैं SSLC परीक्षा में असफल रहा। उनके कलेक्शन में कई तरह की HMT घड़ियां हैं। जनता, कोहिनूर, कंचन, पायलट, चाणक्य, विजय, सोना, रजत, कल्याण, सौरभ, आश्रय, सूर्य, आकाश, जवान, गगन, रोहित, चेतन, हीरा, पवन, जयंत, तारिक, अभिषेक, संदीप, अविनाश, सूरज, उत्तरम, क्रांति, हेमंत, चिनार, अजीत, श्रेयस, अर्जुन, त्रिशूल और विवेक मॉडल उनके संग्रह में शामिल हैं। महिलाओं की घड़ी में कावेरी, गोदावरी, तारा, दीप्ति, कपिला, शालिनी, स्नेहा, प्रिया, सिंधु, गंगा, अमूल्य आदि जैसी कलाई घड़ियां हैं। 400 घड़ियों में कुल 80 प्रकार के मॉडल महादेव स्वामी के संग्रह में हैं। हालांकि इन घड़ियों का रखरखाव महंगा मामला है। इन घड़ियों में बेल्ट या जंजीरों को बदलने के लिए सेवा शुल्क घड़ी की वास्तविक लागत से अधिक है, इसलिए महादेव स्वामी ने मरम्मत करना सीखने में YouTube और अपने दोस्तों की मदद ली। HMT घड़ियों की मरम्मत के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। अगर मुझे एक या दो लोग मिलते भी हैं तो मुझे उन्हें अधिक रिपेयरिंग चार्ज देना होगा, इसलिए मैंने अपने दोस्तों की सलाह लेकर घड़ियों की मरम्मत करना सीखने का फैसला किया है। पोनाची महादेव स्वामी ने साहित्यिक क्षेत्र में भी नाम कमाया है। उन्होंने दुपदा मकलू लिखा और 2020 के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने लघु कविताओं के संकलन पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।